ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इसके साथ ही तमाम पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोलना भी शुरू कर दिया है। यूपी में भी पहले कांग्रेस और फिर बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। बीजेपी ने भी बीते दिन देर शाम प्रत्याशियों के नाम की नई सूची को घोषित कर दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ नेताओं का टिकट बीजेपी काट सकती है, जिसमें गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह का नाम भी शामिल था और हुआ भी यही। गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह का टिकट बीजेपी ने काट दिया है और उनकी जगह अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। हालांकि बीजेपी के लिस्ट जारी करने से पहले सांसद वीके सिंह ने अपने सोशल माइक्रोसाइट एक्स पर पोस्ट करके इस बात की तरफ इशारा कर दिया था कि उनका टिकट कट गया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था, मैंने सैनिक के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित किया है। पिछले 10 वर्षों से मैंने गाजियाबाद को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। इस यात्रा में देश और गाजियाबाद के नागरिकों के साथ साथ भाजपा के सदस्यों का जो विश्वास और प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। ये भावनात्मक संबंध मेरे लिए अमूल्य है। इन भावनाओं के साथ मैंने एक कठिन परंतु विचारपूर्ण निर्णय लिया है। मैं 2024 के चुनावों में नहीं लड़ूंगा। ये निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु मैंने इसे अपने दिल की गहराइयों से लिया है। मैं अपनी ऊर्जा और समय को नई दिशाओं में ले जाना चाहता हूं, जहां अपने देश की सेवा अलग तरीके से कर सकूं। इस यात्रा में आपके साथ ही रहने के लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। आपके प्यार, समर्थन और विश्वास ने मुझे हमेशा से प्रेरित किया है। आगे भी मैं देश और सब नागरिकों के प्रति अपनी सेवा जारी रखूंगा, बस एक नए रूप में। वीके सिंह के ये ट्वीट करने के ठीक आधे घंटे के अंदर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। हालांकि बीजेपी ने संघमित्रा मौर्या और वरुण गांधी समेत कई नेताओं का अलग अलग कारणों के चलते टिकट काटा है, लेकिन वीके सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति थी, जिसके चलते बीजेपी को ये कदम उठाना पड़ा। उनकी जगह बीजेपी ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।